दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे BA, BSc, BCom, BBA के लिए दोस्तों या फिर UGPG में एडमिशन लेने के लिए। यहां पर दोस्तों आपको सब्जेक्ट को आपको चॉइस करना होता है, सब्जेक्ट आपको चुनना होता है। सब्जेक्ट आपको किस तरह से आपको चुनना होता है, जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, चॉइस फिलिंग कर लिया, आपको कॉलेज में दोस्तों नाम आ गया है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लेना होता है कि मेजर सब्जेक्ट क्या होता है, माइनर सब्जेक्ट क्या होता है, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप क्या होते हैं। दोस्तों मैं आपको इसी सब्जेक्ट के बारे में दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, आपको किस तरह से आपको सब्जेक्ट लेना होता है, आगे चलकर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ना हो। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों NEP आई थी, उसी के अंदर में दोस्तों ये सब्जेक्ट यहाँ पर लागू हो चुके हैं। तो आपको ये कॉलेज अगर आपको अलर्ट होता है तो कॉलेज जब आप लेते हैं उसमें आपको सब्जेक्ट वहाँ पर आपको जब भी आप साइबर पर जाते हैं फीस पेमेंट करने या फिर आपको कॉलेज कन्फर्म करने, तो उसमें वो आपको बताता है कि यहाँ पर आपको क्या क्या सब्जेक्ट आपको लेना है, मेजर सब्जेक्ट आपको कौन सा रखना है, माइनर सब्जेक्ट आपको कौन सा रखना है। तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो में आपको ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको एडमिशन लेते समय आपको मेजर सब्जेक्ट कैसे चुनना होता है। मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आपको दिखाऊंगा वीडियो में, एंड तक बने रहेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, दोस्तों एक वीडियो को लाइक जरूर कर दे। बात करिए और मैं आपको सब्जेक्ट लेकर भी दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर आपको BA में सब्जेक्ट आपको कैसे लेना है, BCom में आपको कैसे लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको BCom में दो सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो कंप्लीट जानकारी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉलेज एडमिशन 2024-25 सभी सरकारी एवं प्राइवेट कॉलेज में, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो सब्जेक्ट दोस्तों वो है यहाँ पर आपका मेजर सब्जेक्ट। तो मेजर सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर किसी ने BA, कोई अगर कोई स्टूडेंट अगर BA करना चाह रहा है, ठीक है, तो BA में यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट लेना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट का आपको ग्रुप लेना होता है, पेयर होता है तीन तीन का, यहाँ पर आपको तीन तीन के ग्रुप होते हैं, मतलब कि आपका जो मुख्य सब्जेक्ट आपको हुआ था आपको तीन सब्जेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद में आपका फाउंडेशन या फिर फंडामेंटल आप जो भी कह सकते हैं, उसके अंदर आपका हिंदी इंग्लिश दोस्तों कॉमन होता है। इसलिए अगर BA की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे सब्जेक्ट ग्रुप आपको दे सकें, तो इसी ग्रुप में आपको लेना जो भी आप लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। मान लो किसी को हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी वो ले सकते हैं, संस्कृत, सोशोलॉजी वो लेना चाहें, तो इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट आप लेना है बिल्कुल आप यहाँ पर आप ले सकते हैं। ये मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले आपको मेजर सब्जेक्ट लेना होता है, उसके बाद माइनर सब्जेक्ट आपको लेना होता है, फिर उसके बाद में आपको ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पर आपको चूज करना होता है, फैशन सब्जेक्ट आपको लेना होता है और प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप लेना होता है। ये दोस्तों यहाँ पर आपको 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बात करें मेजर सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। मेजर विषय होता है जिस पर विश्वविद्यालय में पढ़ाई का मुख्य फोकस होता है। मेजर एक डिग्री का हिस्सा होता है जिसमें 36 इकाइयां शामिल होती है। ये इकाइयां आमतौर पर 8 पाठ्यक्रम में बटी होती है। मेजर छात्रों को कॉलेज की डिग्री हासिल करने के दौरान विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करती है। मेजर सब्जेक्ट मतलब आपका एक तरह से मुख्य सब्जेक्ट आप कह सकते थे। सबसे पहले अगर आपको इनमें से कोई, जैसे आपने तीन सब्जेक्ट लिए, ठीक है, इकोनॉमी, हिस्ट्री और सोशोलॉजी, अगर इनमें से जो भी आप सब्जेक्ट अगर आपको मुख्य लेना चाहते, अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपको मेन सब्जेक्ट जो रखना चाह रहे हैं तो आप जैसे मान लो इसमें सोशोलॉजी को रखना, ये दोस्तों आप यहाँ पर आपका मेन सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद माइनर सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट की यहाँ पर देख सकते हैं, नई शिक्षा नीति में अब माइनर सब्जेक्ट को भी दोस्तों शामिल किया गया है। मसलन अपने मूल विषयों के अतिरिक्त छात्र अगर कोई विषय लेना चाहता है तो ये उसे मौका मिलेगा। इनको माइनर विषय कहा गया है। किसी भी एक सेमेस्टर में छात्र को एक माइनर विषय लेना होता है, ठीक है। बैचलर डिग्री में मेजर आपकी पढ़ाई का मुख्य फोकस है और माइनर एक माध्यमिक विशेषज्ञता है। आपका मेजर अध्ययन का क्षेत्र होना चाहिए जिसमें आप एक पेशेवर करियर बनाना चाहते हैं, जबकि माइनर या तो उस लक्ष्य का एक पूरक विषय हो सकता है या किसी शौक या रुचि की आगे की खोज को हो सकता है, ठीक है। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। माइनर आपको अपनी विशेषज्ञता को व्यापक बनाने, निर्दिष्ट करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप जीव विज्ञान में स्नातक कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप साइंस लेकर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप संबंधित क्षेत्र में जैसे कि रसायन क्षेत्र आपका स्पेनिश जैसे असंबंध क्षेत्र में स्नातक करना चुन सकते हैं, ठीक है। तो आपको रुचि या फिर आपके इंटरेस्ट के यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सेकंड तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, आपने माइनर सब्जेक्ट यहाँ पर आपको ले लिया, ठीक है। आपको दोनों में से दोनों, आप मेजर और माइनर सब्जेक्ट आप एक जैसा नहीं रख सकते, ठीक है, यहाँ पर दो मना कर देगा, ठीक है। तो आपको माइनर सब्जेक्ट आपको इसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट होती है। ओपन इलेक्टिव में आप बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। होम साइंस आपका हो सकता है, यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन हो सकता है, NCC हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रिशन एंड डाइट हो सकता है आपका। तो इनमें से आपको जो सब्जेक्ट आप लेना था वो आप इसके अलावा भी आप ले सकते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है मुख्य सब्जेक्ट, इसके अलावा दोस्तों आप जो सब्जेक्ट पढ़ना था वो यहाँ पर इनमें से ले सकते हैं। ओपन इलेक्टिव एक स्वतंत्र विकल्प पाठ्यक्रम है जिसे आप विश्वविद्यालय के भीतर किसी भी विषय क्षेत्र से चुन सकते हैं, बशर्ते कि आपने कोई शर्त पूरी कर ली हो या आपको द्वारा लिए गए या फिर लेने की आवश्यकता वाले किसी अन्य पाठ्यक्रम के साथ असंगत नहीं है और यह छात्रों सीमित नहीं है, ठीक है। तो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट आप इनमें से जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहें, इसके अलावा आप लेना चाहते बिल्कुल आप ले सकें। आप चाहे तो अपने जो तीन सब्जेक्ट आपने लिए, तीन ग्रुप लिए, आप चाहे तो इनमें से भी आप अपना सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। आप चाहे तो इसके अलावा दूसरों को भी सब्जेक्ट लेना चाहें वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है।
वोकेशनल सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, वोकेशनल कोर्स जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं। इन कोर्सेज में प्रशिक्षकों को व्यापार, शिल्प इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, नर्सिंग, चिकित्सा और अन्य उपचार कला, वास्तुकला, फार्मेसी, कानून आदि में नौकरी या फिर या करियर के लिए तैयार किया जाता है। ठीक, वोकेशनल कोर्स में छात्रों को किसी खास फील्ड की ट्रेड्स के बारे में बताया जाता है। कई तरह के फील्ड जैसे कि हेल्थ केयर, ग्राफिक, वेब डिजाइनिंग या फिर फूड टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी में इस तरह के कोर्स ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा तकनीकी कामों में जैसे कि ऑटोमेटिक रिपेयर, प्लम्बिंग और एयर कंडीशनिंग में भी ये कोर्स किए जाते जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें फायदे, दोस्तों यहाँ पर देखिए, इन कोर्स के बाद व्यक्ति में विशेष तरह की स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, कैंडिडेट की रोजगार पाने की योग्यता बढ़ जाती है, विशेष प्रकार की ट्रेनिंग के चलते नौकरी में वरीयता मिलती है। इन कोर्स के जरिए कैंडिडेट्स को लेटेस्ट ट्रेड और मार्केट में चल रहे विभिन्न तरह के ट्रेड की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपने वोकेशनल, आप इसके अलावा जो भी आप लेना चाहें बिल्कुल यहाँ पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप क्या होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप, आप देखिए प्रोजेक्ट क्या होता है, फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत विद्यार्थी को स्थल भ्रमण और अन्वेषण के आधार पर विषय का अध्ययन तथा अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करना होता है। ठीक, यहाँ पर अगर आप इंटर्नशिप की अगर यहाँ पर बात करें, इंटर्नशिप का आशय किसी क्षेत्र या करियर से संबंधित वास्तविक तथा व्यवहारिक कार्य के अनुभव से तो एक छात्र किसी संस्था या क्षेत्र से जुड़कर प्राप्त कर सकेंगे। इंटर्नशिप स्वयं की कार्य पद्धति, मजबूत और कमजोर पक्ष को क्षेत्र विशेष में पूर्णकालीन व्यवसाय निर्माण से पूर्व सीखने और समझने का स्वर्णिम अवसर होता है। कार्यस्थल पर काम करके इंटर्न या समझ पाते हैं कि वे किस क्षेत्र में बेहतर काम कर सकते हैं और बाद में उन्हें किस काम के लिए आवेदन करना चाहिए। इंटर्नशिप छात्रों को एक विशेष क्षेत्र या फिर उद्योग में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करती है। कॉलेज इंटर्नशिप नए कौशल सिखाती हैं और स्नातक होने के बाद नौकरी की संभावनाएं तलाशने के लिए एक पेशेवर नेटवर्क बनाने में मदद करती है। आप देखेंगे अगर आप इनमें से कोई भी लेना चाहें तो इनमें से फील्ड प्रोजेक्ट आपने बता दिया, इंटर्नशिप या फिर अप्रेंटिस क्या होता है, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस, दोस्तों ये क्या, अगर आप इनमें से लेना ये भी आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए कम्युनिटी एंड एंगेजमेंट सर्विस क्या होता है, सामुदायिक जुड़ाव और सेवाएं, सेवाएं का आशय समाज सेवा अथवा समाज सेवी संगठनों या फिर या अन्य सेवा क्षेत्र के साथ संबंध होकर हैंड्स ऑन करना। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर आप कम्युनिटी एंगेजमेंट, आप इसका एक अलग मीनिंग हो सकता है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट लेने से पहले दोस्तों आप एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा और अगर आपके इस वीडियो को शेयर जरूर दोस्तों कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, खुला कमेंट आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।